लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के बीच मध्य प्रदेश में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। गुजरात के राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर करणी सेना ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। रविवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफ बगावत की है। उनके तेवर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे में वहां मौजूद क्षत्रिय समाज ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में संकल्प लिया है कि उनके समाज पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ वह एकजुट होकर जवाब देंगे। ग्वालियर पहुंचे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय महिलाओं का अपमान किया है, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप है कि उन्होंने क्षत्रिय महिलाओं के खिलाफ विवादित बोल बोलने वाले राजकोट के भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट काटने की मांग बीजेपी से की थी, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को दरकिनार किया है। इस वजह से क्षत्रियों में पूरे देश भर में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, इसलिए पूरे देश भर में क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ग्वालियर पहुंचे हैं और यहां बीजेपी के खिलाफ वोट करने का संकल्प लेते हैं। गुजरात के राजकोट लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे, क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले एक डेढ़ महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ टिकट काटी जाए रूपाला की, और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बायकॉट बीजेपी का नारा दिया, हम लोग वहाँ गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी, क्योंकि क्षत्राणियाँ कहीं की भी हो, बहन बेटियाँ कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटी अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़े। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना यही नहीं रुके, उन्होंने ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के खिलाफ भी वोट करने की शपथ ली। दरअसल भारत सिंह कुशवाहा पर आरोप है कि उन्होंने शिवपुरी जिले के नरवर तहसील के चक्रामपुर में कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर दिए गए भदौरिया परिवार के नरसंहार में कुशवाहा समाज का साथ दिया था, इसलिए राजपूतों पर अत्याचार करने वाले भाजपा प्रत्याशी का चुनाव में करणी सेना विरोध करेगी। इसके अलावा करणी सेना भिंड लोकसभा सीट पर प्रत्याशी फूल सिंह बरैया पर भी राजपूत महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी वोट नहीं करने की बात कह रही है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ अन्याय किया है, उन्हें केंद्र के मंत्री पद से हटाकर एक विधायक बनाकर छोड़ दिया है, जबकि वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। राजपूत समाज को कहा गया था कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जिसे कोई पहचानता भी नहीं है। देखिए, नरेंद्र सिंह जी तोमर के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। केंद्रीय मंत्री थे, हमारे कद्दावर नेता थे राजपूत समाज के, जो राजपूत समाज के साथ साथ सभी जातियों की बात रखते थे, मध्य प्रदेश की बात सेंटर में रखने का काम करते थे। उनके साथ क्या हुआ, केवल एक MLA बनाकर उनको बिठा दिया गया, मुख्यमंत्री का बताया गया, राजपूत समाज को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पे। इसी तरीके की घटनाएं राजनाथ सिंह से लेके जितने भी हमारे राजपूत समाज के बड़े नेता उनके साथ की गई। आज जनरल VK सिंह जी की टिकट काट दी गई, ब्रिजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। तो इसी ये सब चीज़ें पूरा राजपूत समाज देख रहा है। आपके मध्य प्रदेश की 7 सीटों में से जो राजपूत समाज को 7 MP की टिकट थी, उनमें से केवल एक दी गई, वो भी राजपूत के सामने, कि राजपूत के सामने लड़के कट के मरे और आपस में इनकी राजनीतिक हत्या हो जाए। तो हम लोग ये कतई इसका साथ नहीं देंगे। सीधा सा है, अब की बार कमल का फूल हमारी भूल, हम बायकॉट बीजेपी का नारा दे रहे हैं और पूरे ग्वालियर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान करेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव की वोटिंग के ठीक पहले करणी सेना के इस रुख ने बीजेपी खेमे में बवाल मचा दिया है। करणी सेना के इस रुख से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की क्षत्रिय बहुल सीटों पर बीजेपी की मुसीबत बढ़ने वाली है। करणी सेना एक्टिव होकर बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। ऐसे में क्षत्रियों का यह विरोध बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगा, ये तो आने वाले 4 जून के परिणाम ही बता पाएंगे। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।